हेलो एंड वेलकम टू शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा. दिस इज बरखा गौर, योर बायोलॉजी टीचर. चिल्ड्रन, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर 15, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. एंड इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू फ्यू टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर, दैट इज कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड हाउ डू वी कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी एंड वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस देखते हैं कि वॉट आर द कॉजेज, मेन कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो देयर आर मेनली फोर कॉजेज, देयर आर फोर मेजर कॉजेज ऑफ, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर नंबर इट इज कॉल्ड द एविल क्वार्टेट. एविल क्वार्टेट मीन्स दीज आर द फोर मेन रीजन ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. फर्स्ट वी विल सी हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. सपोज देयर इज अ लार्ज हैबिटेट, कोई लार्ज फॉरेस्ट है एंड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज उसका डिवाइडेशन हो जाता है, फ्रेगमेंट हो जाते हैं. दैट मीन्स मान लो हमने कोई रोड वहाँ से निकाल दिया या रेलवे लाइन वहाँ से क्रॉस करवा दी, तो वॉट विल हैपन, मैनी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विल गेट डिस्टर्ब. हो सकता है ड्यू टू सम रीज़न हमको बहुत सारे प्लांट्स या ट्रीज रिमूव करने पड़े, तो ड्यू टू दैट रिमूवल ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज मैनी एनिमल्स विल ऑल्सो गेट डिस्टर्ब. तो दिस इज वॉट हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन. तो इससे भी एक्सटिंक्शन के चांसेस रहती हैं. वंस कवरिंग मोर देन, एग्जाम्पल दिया हुआ है, 14% ऑफ अर्थ को कवर किया हुआ था, दीज रेन फॉरेस्ट नाउ कवर नो मोर 6%. तो जो कि 14% फॉरेस्ट कवरिंग थी, नाउ इट इज रिड्यूस टू 6% एंड दे आर बींग डिस्ट्रॉयड वेरी फास्ट. बाय द टाइम यू finish reading this chapter, 1000 more hectares of rainforest would have been lost. तो इतनी स्पीड से जो बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो रहा है, फॉरेस्ट आर बींग रिमूव्ड. अमेजोन की बात कर रहे हैं, द अमेजोन रेन फॉरेस्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लंग्स ऑफ द प्लैनेट, हार्बरिंग प्रोबेबली, बहुत सारी स्पीशीज को हार्बर कर रहा है, बहुत सारी स्पीशीज डिपेंड कर रही हैं उसके ऊपर. तो यहाँ पर भी फॉरेस्ट कट हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं फॉर कल्टिवेटिंग, फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन. सोयाबीन कल्टिवेट करने के लिए उसको रिमूव कर दिया जाता है, फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाता है. एंड ऑल्सो फॉर कन्वर्जन टू ग्रास लैंड्स फॉर रेजिंग बीफ कैटल. तो अपने कैटल्स के ग्रेजिंग के लिए भी वहाँ पर स्पेशली ग्रास लैंड बना दिए गए, फॉरेस्ट को रिमूव करने के लिए, रिमूव करके. सो द टोटल लॉस एंड द डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटेट्स बाय पॉल्यूशन ऑल्सो थ्रेटन्स द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीशीज़. तो अभी तक जो भी पॉल्यूशन हो रहे हैं या कई बार फॉरेस्ट में फायर हो जा आग लग जाती है, तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़. तो मैनी मैमल्स एंड बर्ड्स जिनको लार्ज टेरिटरी की ज़रूरत होती है एंड इफ़ दे आर कन्फाइंड टू स्मॉलर एरिया, तो उससे क्या होता है, वो या तो माइग्रेट कर जाते हैं या वहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. तो ऑल दीज लीड्स टू डिक्रीज इन देयर पॉपुलेशन ऑल्सो. ठीक है, देन ओवर एक्सप्लॉयटेशन. वी नो दैट वी नीड टू यूज़ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, हमको फॉरेस्ट से ट्रीज भी चाहिए, मेडिसिन भी चाहिए, एवरीथिंग वी नीड फ्रॉम द फॉरेस्ट, बट देयर शुड नॉट बी ओवर एक्सप्लॉयटेशन. यूज़ करें हम बट इन प्रॉपर अमाउंट. तो ह्यूमंस हैव ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर, बट वेन नीड्स टर्न टू ग्रीड, ज़रूरतें जब ग्रीड में चेंज हो जाती हैं, देयर इज बहुत लालच बढ़ जाता है, तो इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ओवर एक्सप्लॉयटेशन इज ऑलवेज हार्मफुल. तो मैनी स्पीशीज एक्सटिंक्शन इन द लास्ट 500 ईयर्स, फॉर एग्जाम्पल स्टीलर्स, काउ, पैसेंजर पिजन, आर ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन. तो यहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ, इस वजह से ये स्पीशीज क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई. प्रेजेंटली मैनी मेराइन फिशेज पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड. है ना, फिशिंग करते हैं नो प्रॉब्लम, बट ओवर हार्वेस्टिंग हो रही है, ओवर फिशिंग हो रही है, तो उनसे इससे भी उनकी स्पीशीज को एक्सटिंक्शन होने का डर है. थर्ड है एलियन स्पीशीज इन्वेजन. दैट मीन्स इफ बाहर से हम कोई स्पीशीज को लाकर उस हैबिटेट में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो द इन्वेजन ऑफ दैट स्पीशीज मे बी हार्मफुल फॉर अदर स्पीशीज विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट ओवर देयर. जो वहाँ के नेटिव स्पीशीज हैं उनको नुकसान हो सकता है. सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन एलियन स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड अनइंटेंशनली और डेलिबरेटली, मतलब जान करके या अननोइंगली, तो सम ऑफ दैट टर्न इन्वेजिव एंड कॉज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ द इंडिजीनियस स्पीशीज. ऑलरेडी जो वहाँ प्रेजेंट हैं वो इंडिजीनियस कहलाएंगे, तो उनको एक्सटिंक्शन के थ्रेट है.
फॉर एग्जाम्पल याद रखेंगे, द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका लेड इवेंचुअली टू द एक्सटिंक्शन ऑफ एन इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ सिचलेट फिश इन द लेक. तो नाइल पर्च में के आने से सिचलेट फिश का एक्सटिंक्शन हुआ 200 स्पीशीज का. ठीक है, तो एनवायरमेंटल डैमेज तो होगा ही सही, एंड जो नेटिव स्पीशीज हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है. अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ एक वीड है कॉल्ड कैरेट ग्रास, है ना, हिंदी में गाजर घास बोलते हैं. इट इज पार्थेनियम, साइंटिफिक नेम इसका पार्थेनियम है. तो दिस वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, लैंटेना एंड वाटर हाइकेंट विच इज ऑल्सो नोन एज आइकोनिया. तो दे आर ऑल्सो ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड. तो रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटल फिश क्लैरियस गैरपाइनस फॉर एक्वाकल्चर पर्पस इज पोजिंग अ थ्रेट टू द इंडिजीनियस कैटल फिश ऑफ दैट रिवर्स. तो हमारी रिवर्स में जो ऑलरेडी कैटल फिश प्रेजेंट है उनको डर है. अब दे हैव द थ्रेट ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अफ्रीकन कैटल फिश. तो दिस इज द हाउ एलियन फिश इज ऑल्सो कैन कॉज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. एंड थर्ड इज को एक्सटिंक्शन. तो मेनी स्पीशीज आर डिपेंडिंग ऑन वन अनादर, है ना, फॉर फूड या फॉर एनी पर्पस. सपोज टू स्पीशीज आर डिपेंडिंग ऑन वन अनादर एंड इफ वन स्पीशीज इज रिमूव्ड तो क्या होगा, अदर स्पीशीज विच वॉज डिपेंडिंग ऑन दैट स्पीशीज विल ऑल्सो गेट एक्सटिंक्ट. तो दिस इज वॉट कॉल्ड को एक्सटिंक्शन. तो वेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विद इट इन एन ऑब्लिगेटरी वे ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट. When a host fish species becomes extinct, its unique assemblage of parasites. Suppose parasite है और एक host है, तो host अगर remove हो गया तो parasite भी extinct हो जाएंगे. Another example of this case is co-evolved plant pollinator mutualism. हम देखते हैं ना mutualism का, हमने example देखा था last chapter में कि suppose there is a plant and suppose an insect is there. तो insect is providing pollination, helping in pollination and plant is providing नेक्टर टू इट. तो यहाँ पे भी को इवोल्यूशन होता है एंड इफ वन इज रिमूव्ड, सपोज प्लांट इज रिमूव्ड, तो द पॉलिनेटर जो है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा. तो वेयर एक्सटिंक्शन ऑफ वन इनवेरिएबली लीड्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ अदर. तो दीज आर द थ्री कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. नाउ राइट डाउन वन क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 265 इन फ्रंट ऑफ एलियन स्पीशीज इन्वेजन लिख सकते हैं. वॉट इज मेंट बाय एलियन स्पीशीज इन्वेजन, नेम वन प्लांट एंड वन एनिमल एलियन स्पीशीज दैट आर अ थ्रेट टू आर इंडियन नेटिव स्पीशीज. तो यू कैन मार्क द आंसर. First point you can write some of the some of them turn invasive and cause decline or extinction of indigenous species. Now one point you can mark this. Then Parthenium is also another example, carrot grass Parthenium, you know, this is the answer to that question. Okay, essay this one, African cattle fish. These are the example of alien species invasion. Now we come to the next topic, biodiversity conservation. So what are the different ways of biodiversity conservation and why should we conserve biodiversity? Kya zarurat hai hame biodiversity ko conserve karne ki? As children we know that biodiversity is important for all of us, for humans also and for all the species which are surviving on the earth, sabke liye zaruri hai. So we can categorize jo zarurate hain un category, unko hum categorize kar sakte hain. One is narrow utilitarian and another is broadly utilitarian. So narrow utilitarian ka meaning hota hai ki aisi needs jo hum directly hum biodiversity se ले रहे हैं, वट एवर थिंग्स विच आर टेकिंग डायरेक्टली फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी दैट विल कम अंडर द नैरोली यूटिलिटेरियन. ठीक है, दैट मीन्स वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी बिकॉज वी आर डिपेंडिंग
for many of the products from this biodiversity. For example, human derives countless direct economic benefits from nature. For food ke liye jaise cereals, pulses, fruits, firewood ke liye fiber, construction material, industrial products, tannins, lubricants, dyes, resins and products of medicinal importance. तो ये तो हम directly ही इनसे ये benefit तो ले ही रहे हैं. Other benefits भी हैं और direct 25% of the drugs currently sold in the market are derived from the 25,000 species of plants. ठीक है, ये traditional जो हमारी medicines हैं वो हम इनसे ले रहे हैं. And nobody knows how many more medicinally useful plants there are in the tropical rainforest. So yet more have to be discovered. ठीक है, we are waiting to be explored. So with increasing resources put into bio prospecting, that means exploring more molecular and species level biodiversity, so nations endowed with rich biodiversity can expect to reap enormous benefits. तो जहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है naturally वहाँ पे उनको ज़्यादा benefits होंगे. Second category is broadly utilitarian argument. इसका ये मतलब है कि directly हम इसका benefit नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली हम नेचर से कितने बेनिफिट्स लेते हैं यू कैन नॉट इमेजिन. अभी आप देखेंगे व्हाट आर दोज बेनिफिट्स विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द नेचर. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन जो हमें इस नेचर से मिल रहा है, बायोडाइवर्सिटी से मिल रहा है, तो यू कैन सी दैट अमेजोन फॉरेस्ट जो है इट इज़ एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस फोटोसिंथेसिस थ्रू फोटोसिंथेसिस 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन ऑन द अर्थ. पूरी अर्थ की 20% ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी अमेजोन से हो रही है. ठीक है, नाउ इसकी क्या वैल्यू है, वी डू नॉट कोई हम इसकी वैल्यू नहीं लगा पाते हैं, बट इसकी वैल्यू आप तब लगा पाओगे जब आपको पता लगेगा सपोज एक सिलेंडर ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है. ठीक है, सो यू कैन इमेजिन और यू कैन कंपेयर कि कितना सारा ऑक्सीजन हमें फ्री में मिल रहा है. सेकेंड एडवांटेज इज पॉलिनेशन. If pollination would not be there, many plants will not grow. Pollination पे depend करेंगे कई सारे fruits and seeds. So this is another service which is provided by nature or by ecosystem. So ecosystem provide through pollinators layers, bees, bumblebees, birds and bats. So these are all pollinators which help in pollination. There are other intangible benefits which we derive from the nature. Aesthetic value. ठीक है, सपोज यू आर वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, है ना, कई बार हम नेचर में रहकर जाकर रहना चाहते हैं, है ना, वी एन्जॉय द नेचर या हम उसकी ब्यूटी को बहुत प्रेज करते हैं, तो वी डिराइव द एस्थेटिक प्लेजर ऑफ वॉकिंग थ्रू द थिक वुड्स, वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स इन फुल ब्लूम और वेकिंग अप टू अ बुलबुल सॉन्ग. तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सिर्फ प्रेज करते हैं बट वी डू नॉट give any value for it, but it these things are also very valuable. तो हमारी moral value जो है that is also very important. Now ethical argument for conserving biodiversity. Ethically also we should conserve biodiversity. तो we share millions of plants and animals जो हैं जिनको हम share करते हैं, we are also living on this planet and other plants and animals are also living there. तो फिलोसॉफिकली और स्पिरिचुअली वी नीड टू रियलाइज दैट, जैसे हमें अपना लगता है ना कि वी शुड सर्वाइव हेयर, हमारी स्पीशीज सर्वाइव होनी चाहिए, तो सिमिलरली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो रिक्वायर टू बी प्रेजेंट हेयर. तो इट हैज एन इंट्रेंसिक वैल्यू एंड इवन इफ इट मे नॉट बी ऑफ करेंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू. अभी हमें आज नहीं लग रहा होगा कि इसकी कोई ज़रूरत है या इट्स नॉट उसकी वैल्यू कुछ भी हमारे लिए नहीं होगी भली, बट इट इज़ अ मॉरल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ all the varieties, सारी biodiversity का हमें ध्यान रखना चाहिए so that it is available for the next generation also. ठीक है, so they can also get the benefit of this biodiversity. That's why also we should conserve biodiversity. ठीक है, तो ये तो हुआ कि हम क्यों करें biodiversity को conserve. Now the next topic is how can we conserve biodiversity? कैसे हम conserve कर सकते हैं? So what are the different methods to कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? हो सकता है हम ये सोचें इंडिविजुअल लेवल पे हम कैसे कंजर्व करें, बट ऑन लार्ज स्केल देयर आर सर्टेन मेथड्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. लेट अस डिस्कस दोज मेथड्स. फॉर एग्जांपल देयर, जैसे मान लीजिए कोई टाइगर है, उसको हमें प्रिजर्व करना है, उसको कंजर्व करना है, तो उन्हीं के एनवायरनमेंट में
जैसे नेशनल पार्क्स वगैरह रहते हैं, तो द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंजर्व्ड इफ दे आर कंजर्व्ड इन देयर नेचुरल हैबिटेट ओनली, तो उसको कहते हैं हम इन सीटू कंजर्वेशन. इट इज इन सीटू कंजर्वेशन. दैट मीन्स वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट and there are situations where an animal or plant is endangered or threatened at a very high risk. अगर किसी animal या plant बहुत ज़्यादा high risk पे threaten होने के उसके chances हैं तो हम उसको अलग जगह ले जाते हैं and it is conserved over there and needs urgent measures to save it from extinction. तो ex situ conservation होता है. ठीक है, now we'll study it in detail. In situ means faced with the conflict between development and conservation. Many nations find it unrealistic. मतलब बहुत सारे nations development तो करते जा रहे हैं ना, they are developed but they are not able to conserve their biodiversity. तो उन्होंने ये महसूस किया है कि it is very necessary to conserve all the biological wealth. तो number of species waiting to be saved from extinction. बहुत सारी species ऐसी हैं जो extinct होने वाली हैं, तो उनको conserve करना ज़रूरी है. On a global basis this problem has been एड्रेस्ड बाय एमिनेंट कंजर्वेशनिस्ट. तो बहुत सारे कंजर्वेशनिस्ट इसके लिए सोच रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू कंजर्व इट. तो सम स्पीशीज आर सच विच कैन ग्रो या विच आर ग्रोइंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस ओनली, तो उनको हम कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज. ठीक है, तो एंडेमिज्म इज द देर आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन विच वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म. दैट इज अ स्पीशीज that region only, confined to that region only. ठीक है, initially 24 biodiversity hotspots were there, अभी लेकिन और इसमें add हुए हैं and now there are 34 biodiversity hotspots. These three of these are Western Ghats and Sri Lanka and Indo-Burma and Himalaya. ठीक है, तो these are the various hotspots which are meant for, मतलब इनको इसलिए reserve कर दिया है for conserving biodiversity. Then in India, ecological and unique biodiversity richness are legally protected as, तो और भी biosphere reserves बनाए गए हैं for protection of biodiversity. तो biosphere reserve, national parks and sanctuaries. India has 14 biosphere reserves, 90 national parks and 448 wildlife sanctuaries. ठीक है, तो this is some of the data. Now, in some cultures या हम कहीं देखते हैं कि जो protection of wildlife है या forest को, trees को protect करना एक बहुत मतलब एक धार्मिक काम भी माना जाता है. तो in many cultures, tracts of forest were set aside and all trees and wildlife within were venerated and given total protection. Such sacred groves are found in Khasi and Jaintia hills in Meghalaya, Aravali hills of Rajasthan, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड सरगुजा चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश. ठीक है, तो ये क्या है, सेक्रेड ग्रूव्स हैं. दीज आर द सेक्रेड ग्रूव्स. नाउ वी टॉक अबाउट एक्स सीटू कंजर्वेशन. एक्स सीटू कंजर्वेशन, एज आई टोल्ड यू कि कोई ऐसे इमरजेंसी आती है कि सम प्लांट और एनिमल इज नॉट एबल टू सर्वाइव इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, देन इट इज टेकन टू सम जूलॉजिकल पार्क एंड इट इज गिवन स्पेशल केयर एंड इट इज कंजर्व्ड. तो इन दिस अप्रोच थ्रेटन्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर. फॉर एग्जाम्पल, जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन्स एंड वाइल्ड लाइफ सफारी parks serve this purpose. So there are many animals that have become extinct in the wild but continue to be maintained. वो वहाँ पर तो survive कर पाए, मतलब natural habitat में तो वो extinct हो चुके हैं, but in जो ex situ conservation वाली जगह है वहाँ पर उनको बना, मतलब they are alive there. In recent years, ex situ conservation has been advanced beyond keeping threatened species. तो ये तो हुई एनिमल्स और प्लांट्स को रखने की, बट आज की डेट में एक्स सीटू कंजर्वेशन इज नॉट लिमिटेड अप टू देयर ओनली. और क्या क्या हो सकता है एक्स सीटू में, देखिए, इन रीसेंट ईयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन रीसेंट ईयर्स एक्स सीटू कंजर्वेशन हैज एडवांस्ड
बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटन स्पीशीज इन एनक्लोजर्स. सिर्फ इतना ही नहीं, नाउ गैमेट्स, ठीक है, गैमेट्स आर ऑल्सो कंजर्व्ड. गैमेट्स ऑफ थ्रेटन स्पीशीज कैन बी प्रिजर्व्ड इन वायबल. वायबल मीन्स उसको लाइव रखने के लिए जो भी कंडीशन जरूरी है उन कंडीशंस में, उनको फर्टाइल कंडीशंस में रखा है फॉर लॉन्ग पीरियड्स यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड, क्रायो प्रिजर्वेशन मीन्स टू प्रिजर्व द गैमेट्स इन द वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन. ऐसे ही एग्स कैन बी फर्टिलाइज इन विट्रो एंड प्लांट्स कैन बी प्रोपोगेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर मैथड्स. तो ये भी एक्स सीटू कंजर्वेशन में आएगा. एंड वन मोर थिंग, सीड्स. सीड्स कैन ऑल्सो बी प्रिजर्व ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन. सपोज कोई बहुत एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीशीज है प्लांट की, तो उसके सीड्स को भी हम इन सीड बैंक्स. देन बायोडाइवर्सिटी की कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होती है एंड द कंजर्वेशन इज देयरफॉर अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस. ऐसा कुछ नहीं कि इंडिया कंजर्व करेगा या अमेरिका कंजर्व करेगा, ये हम सबकी ड्यूटी है. ऑल ऑफ अस शुड ट्राई टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, वेदर इट इज़ इन आर कंट्री या कहीं की भी हो, इट्स आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी. सो द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एक अर्थ समिट बनाया गया था इन रियो, हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992, विच वॉज कॉल्ड अपॉन सारे नेशंस को बुलाकर वहाँ पे उन्होंने उसको, देर वॉज अ समिट विच वॉज कॉल्ड अर्थ समिट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स. तो किस तरह से हम बायोडाइवर्सिटी के बेनिफिट्स ले सकते हैं और उसको कंजर्व करना कितना ज़रूरी है. इन अ फॉलो अप उसके बाद वर्ल्ड समिट बनाया गया ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 2002 इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका. सो 190 कंट्रीज प्लेज देयर कमिटमेंट. 190 कंट्रीज ने कमिट किया कि वी विल बी ट्राइंग टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी एट ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल लेवल्स. तो एट ऑल लेवल्स कंजर्वेशन इज नेसेसरी. सो चिल्ड्रन, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. जस्ट रिवाइज द चैप्टर, वॉच द वीडियो प्रॉपरली. विल सी यू इन द लाइव सेशन. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.